नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निशा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जहांगीरपुर वैसी में भीषण कटाव, चारी नदी में समाया मकान, पीड़ितों ने जिला प्रशासन से लगाई मदद की गुहार। कहलगांव में बाइक सवार ने खोया संतुलन, हादसे में गई युवक की जान, घर में मचा कोहराम। सुरक्षित बचपन सुनहरा भविष्य पर सेमिनार का हुआ आयोजन, वक्ताओं ने कहा देश में दो में से एक बच्चा है यौन शोषण का शिकार। और भागलपुर में बनेगा प्लस टू अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय, खानकापीर दमड़िया ने दिया 8 बीघा जमीन। अब खबरें विस्तार से। मानसून के शुरुआती बारिश के बाद नदियों के जल स्तर में लगातार वृद्धि हो रही है। भागलपुर से गुजरने वाली गंगा और कोसी नदी ने भी अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। जलस्तर पिछले कई दिनों से बढ़ गया है। वे दियारा के नए इलाकों में पानी घुसने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है, साथ ही कट ऑफ का खतरा भी मंडराने लगा है। जबकि पुलिस जिला नवगछिया के रंगरा प्रखंड स्थित जहांगीरपुर वैसी में कोसी नदी का कहर जारी है। विषम कट ऑफ से नदी किनारे दर्जनों घर जलमग्न हो गए हैं, दर्जनों लोग घर छोड़कर पलायन कर चुके हैं। करीब 6,000 की आबादी वाले इस गांव में प्रतिदिन जलस्तर बढ़ने से ग्रामीण काफी चिंतित हैं। कट ऑफ के कारण कई मकान नदी में समा गए हैं। इसके अलावा किसानों की खेती हर जमीन भी कोसी और गंगा में डूब चुकी है। लोगों ने बताया कि सरकार कट ऑफ निरोधी कार्य का दावा करती है, लेकिन उनके ठेकेदारों को गरीबों की कोई चिंता नहीं है। जहांगीरपुर वैसी के लोगों ने जिला प्रशासन से मदद की गुहार लगाते हुए लापरवाह अधिकारियों और संवेदक पर कार्यवाही की मांग की है। नवगछिया के कदवा दियारा पंचायत स्थित ठाकुर जी कचहरी टोला में कोसी नदी से भीषण कटाव जारी है। कटाव इतनी तेज हो रही है कि शनिवार को भी कई लोगों को अपना घर खाली कर सुरक्षित स्थान पर जाना पड़ा, जबकि नदी किनारे बसे ग्रामीण बांस बिट्टा और पेड़ काट कर हटाने में जुट गए हैं। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि कोसी नदी से हो रहे कटाव के मुहाने पर करीब 23 घर आ गए हैं, जिसमें कामो सिंह, प्रकाश सिंह, नकुल सिंह, ब्रह्मदेव सिंह, प्रसाद सिंह समेत दर्जनों लोगों के घर शामिल हैं। साथ ही कहा कि अगर तेजी से राहत बचाव कार्य नहीं हुआ तो कभी भी दर्जनों घर कोसी नदी की आगोश में समा जाएंगे। इसको लेकर शनिवार को नवगछिया सीओ विश्वास आनंद, जय रविंद्र कुमार और राजीव कुमार चौरसिया ने कटाव स्थल का जायजा लेकर कटाव निरोधी कार्य में तेजी लाने की बात कही है। अधिकारियों ने कहा कि शुक्रवार को करीब 12 जाल में मिट्टी भरे बोरी को नदी किनारे गिराकर बचाव कार्य शुरू किया गया, जबकि स्थिति की गंभीरता को देखते हुए रात में भी जनरेटर लगाकर कटाव निरोधी कार्य कराने की व्यवस्था की गई है। बहुत दिक्कत से खाने का नया अथी हो रहा है। अभी घर कट रहा है तो अभी सामान सब भांस गया, घर गिर गया, तो दिखते न हो रहा है, देखने वाला कोई नहीं है। कोई नहीं ना, प्रशासन के कोई लोग आए? कोई न आया है, काल खुना देख के गया है। क्या बोल रहे? बोला है हो जाएगा, देंगे कुछ 6,000। कटाव जो हो रहा है अभी तक विभागीय लापरवाही चल रहा है। जो संवेदक है 15-20 दिन पहले से वो जो है कि नाप वगैरह सब कर रहा था, लोगों को आशा था कि कुछ ना कुछ होगा, लेकिन जब कटाव का जो है तेज हुआ तो संवेदक फरार हो गया, 4-5 घर गिरा। हम लोग भाकपा माले का जांच टीम यहां पहुंची हुई थी, उन्होंने जो है कि जिला पदाधिकारी, अनुमंडला पदाधिकारी और अंचलाधिकारी से दूरभाष से बात हुआ, तो उन्होंने जो है कि आपदा प्रबंधन को कहा, लेकिन उसके काम से हम लोग असंतुष्ट रहे। कितना घर समा गया? 8 घर जो है कि नदी में समा गया। कहलगांव के अंतिचक थाना क्षेत्र अंतर्गत परशुराम चक के पास मोटरसाइकिल से गिरकर एक युवक की मौत हो गई, जबकि इस घटना में दो युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गए। मृतक युवक की पहचान दयालपुर गांव निवासी 25 वर्षीय लुचो यादव के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि 23 वर्षीय लुको यादव और गांव के बच्चू मंडल का पुत्र नितेश घटना में गंभीर रूप से जख्मी हो गया। वहीं प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि तीनों युवक मोटरसाइकिल से अपने गांव दयालपुर से निकले थे, लेकिन अचानक परशुराम चक मोड़ के पास बाइक का संतुलन बिगड़ गया और गाड़ी 10 फीट नीचे गड्ढा में गिर गया, जिससे एक युवक की मौत घटना स्थल पर ही हो गई। साथ ही ग्रामीणों ने बताया कि दोनों घायलों को गंभीर हालत में कहलगांव अनुमंडल
अस्पताल ले जाया गया, जहां दोनों की स्थिति चिंताजनक बताई जा रही है। इधर घटना की जानकारी मिलते ही अंतिचक थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर मामले की जांच में जुट गई। सामाजिक सांस्कृतिक संस्था संवेद की ओर से भागलपुर में सुरक्षित बचपन सुनहरा भविष्य विषय पर सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार का उद्घाटन पीस एंड इक्वालिटी सेल अहमदाबाद की निदेशक प्रीता झा, पॉक्सो कोर्ट के विशेष लोक अभियोजक शंकर जय किशन मंडल, किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य विकास कुमार, बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष मधु रंजन कुमार, संवेद के अध्यक्ष छाया पांडे, नाथनगर के बाल विकास परियोजना पदाधिकारी मैरी लता किस्को और जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल के अधीक्षक असीम कुमार दास ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। सेमिनार में आगत अतिथियों का स्वागत संवेद के सचिव डॉक्टर सुनील कुमार साह ने किया। वहीं अपने संबोधन में अहमदाबाद से आई सेमिनार के मुख्य वक्ता प्रीता झा ने कहा कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के 2007 में हुए एक अध्ययन के अनुसार हर दो में से एक बच्चा यौन शोषण का शिकार पाया गया, जिसमें से करीब 70% बच्चों द्वारा बताया गया कि यह बात उन्होंने किसी से साझा नहीं की। उन्होंने कहा कि अध्ययन में यह भी पाया गया कि इस तरह के महज 5% मामले की शिकायत ही पुलिस थाने में दर्ज हो पाती है, जबकि यह अध्ययन देश के 13 राज्यों के 12,447 बच्चों के बीच की गई थी। इधर सेमिनार को संबोधित करते हुए किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य विकास कुमार ने कहा कि हाल के समय में नशीले पदार्थों के सप्लाई में बच्चों की संलिप्तता काफी तेजी से बढ़ी है, जो चिंता का विषय है। वहीं भागलपुर पॉक्सो कोर्ट के विशेष लोक अभियोजक शंकर जयकिशन मंडल ने कहा कि त्वरित न्याय की प्रक्रिया ही ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सकता है, जबकि इसके लिए कानून व्यवस्था पर लोगों का विश्वास जगाने की पहल भी आवश्यक है। इसके अलावा माइग्रेन अस्पताल के अधीक्षक असीम कुमार दास ने कहा कि हर प्रकार के दुर्व्यवहार का मूल हमारे घर और समाज में ही है, जिसका दुष्प्रभाव बच्चों को मानसिक रूप से प्रभावित करता है। उन्होंने कहा कि यौन शोषण के मामले में मेडिकल चेकअप में होने वाली कई प्रकार की समस्याओं पर भी अपनी बात रखी। मौके पर कार्यक्रम संयोजक संवेद के विक्रम, शाहीन अनीस और वर्षा समेत काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। पटना के अंजू में इस्लामिक भवन में शनिवार को वक्फ कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता बिहार सुन्नी वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष इरशाद उल्लाह ने की। कॉन्फ्रेंस में बिहार वक्फ के सचिव, अध्यक्ष और मुतवल्ली शामिल हुए। वहीं सेंट्रल काउंसिल के सचिव ने विस्तार पूर्वक वक्फ संबंधित योजनाओं को समझाया। मौके पर बिहार सुन्नी वक्फ बोर्ड के सीईओ ने सैयद इनायत हुसैन वक्फ 159 द्वारा 8 बीघा जमीन अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय के लिए देने पर खानकाह पीर दवड़िया शाह के 15वें सज्जादन से सैयद शाह फकरे आलम हसन का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा जल्द ही +2 अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय का निर्माण कार्य शुरू कराया जाएगा। शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि भागलपुर में +2 अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय बनाने का रास्ता साफ हो गया है। इसके लिए उन्होंने सज्जादनी से सैयद शाह फकरे आलम हसन का आभार व्यक्त किया। गौरतलब है कि विद्यालय बन जाने से अल्पसंख्यक स्टूडेंट्स को काफी फायदा होगा। वहीं खानकाह पीर दमड़िया शाह के 15वें सज्जादनशी सैयद शाह फकरे आलम हसन ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री नीतीश को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय बनाने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शासन में वक्फ से संबंधित कई उल्लेखनीय कार्य किए गए हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में वक्फ संबंधित कार्यों का तेजी से विकास होगा। सैयद हसन ने कहा कि मुमकिन है कि +2 अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय का उद्घाटन भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किया जाएगा। कॉन्फ्रेंस में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान, मुख्य सचिव आमिर सुबहानी, अल्पसंख्यक कल्याण सचिव सफीना, सीडीओ खुर्शीद अनवर, गुलाम रसूल बलियाबी, एमएलसी खालिद अनवर, जदयू नेता उपेंद्र कुशवाहा समेत कई गणमान्य उपस्थित थे। अब तो चला एक छोटे से ब्रेक का, फॉरन लौटेंगे, देखते रहिए सिल्क टीवी। आपके नजदीकी शहर बौंसी बिहार में एकमात्र फार्मेसी कॉलेज मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, जिसमें आपको मिलेगी स्मार्ट क्लास, स्मार्ट लैब और लाइब्रेरी जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं। अब आप भी डी फार्मा और बी फार्मा जैसे फार्मेसी कोर्स कर एक निश्चित सरकारी या गैर सरकारी संस्था में जॉब पा सकते हैं, साथ ही अपना खुद का मेडिकल स्टोर भी खोल सकते हैं। इतना ही नहीं, बिहार झारखंड एवं केंद्र सरकार द्वारा प्रदत्त छात्रवृत्ति का लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। आइए अपने बच्चों को इंटर के बाद फार्मेसी कोर्स करवाकर स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनका स्वर्णिम भविष्य बनाइए। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
भागलपुर मायगंज स्थित यूनियन कार्यालय में रविवार को बिहार बिजली मजदूर यूनियन के अंचल परिषद की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय अध्यक्ष विनय कुमार दुबे ने की। इस दौरान वर्ष 2022-23 अंचल परिषद के लिए बुलाई गई सभा में नई समिति का गठन किया गया, जिसके बाद केंद्रीय अध्यक्ष ने चुने गए प्रतिनिधियों के नामों की घोषणा की, जिसमें लखन यादव को अध्यक्ष, शंभू ठाकुर को सम्मानित अध्यक्ष के अलावा संरक्षक, उपाध्यक्ष, सचिव, सहायक मंत्री, कोषाध्यक्ष और अंकेक्षक के नाम पर केंद्रीय अध्यक्ष ने मुहर लगाया। इस दौरान काफी संख्या में बिजली कर्मी उपस्थित थे। ये हमारे बिहार बिजली मजदूर यूनियन का मीटिंग है और ये मीटिंग कोरोना के बाद ही हुआ है। और हमारे जो कलीग साथी हैं, जो हम लोग संगठन के लिए जीने मरने वाले हैं, सिर्फ उन्हीं को बुलाया गया है। और ये हुजूम चुनाव के बाद हम लोग फिर बैठेंगे, जिसकी सूचना आपको भी दी जाएगी। उस मीटिंग में हम डिमांड चार्ट बनाएंगे। डिमांड चार्ट बनाने के बाद फिर हम संघर्ष का एक नोटिस देंगे। नोटिस देने के बाद यदि वह किसी प्रकार का यूनियन से वार्ता नहीं होती है तो हम इनकलाब करेंगे, जम के इनकलाब करेंगे। कुछ ऐसे भी मांगे हैं जो हमारे प्रबंधन अनसुनी कर रही है। हमारे प्रबंधन हमारे कर्मचारियों को प्रताड़ित करते हैं, बदली की धमकी देते हैं। तो ये सब अंकुश प्रबंधन का जो हो रहा है, इसके लिए हम संघर्ष का एक नोटिस देंगे। अररिया के पूर्व सांसद सह पूर्व राज्य मंत्री सरफराज आलम की गाड़ी पर बीती देर रात अज्ञात बदमाशों ने पटना से आने के क्रम में राजगंज पेट्रोल पंप के समीप हमला कर दिया। दरअसल नरपतगंज थाना क्षेत्र के पेट्रोल पंप के पास अज्ञात लोगों ने सरफराज आलम की गाड़ी पर हमला किया, जिसमें बाल बाल बच गए, जबकि इस हमले में पूर्व सांसद की गाड़ी भी क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं घटना के बाद आनंद फानंद में पूर्व सांसद ने नरपतगंज थाना पहुंचकर अपनी जान बचाई और पुलिस को घटना की सारी जानकारी दी। सरफराज आलम ने कहा कि पटना से लौटने के क्रम में रास्ते में ही एकाक जोरदार धमाका हुआ, जिसके बाद उनकी गाड़ी का शीशा क्षतिग्रस्त हो गया। इसके अलावा मामले की जानकारी थानाध्यक्ष सहित जिले के आला अधिकारियों को दी गई, जिसके बाद पूर्व सांसद ने घटना की जांच कर दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने की मांग प्रशासन से की। 7:10 हो कि 15 मिनट, एग्जैक्ट नहीं बता सकते। फिर उसके बाद जैसे बढ़े कि 5-10 मिनट के अंदर में आवाज आई, तो 52 से लग करके शीशे पर आया। फिर दूसरा आवाज आया, चिन्हा भी है गाड़ी में, शीशा मुचूर कर करके मेरे साइड बाय साइड वो एकदम चूर हो करके वहीं स्थित है। तो हम लोग एक ही गार्ड था और भागते भागते थाना ढुकाए नरपतगंज। थाना प्रभारी को लगाया, इंचार्ज आपके DSP साहब, SP साहब को थाना प्रभारी बोले नहीं सर पागल हो गए। तो हम कहे कि नोट कर लीजिए, आप इसको जांच करा लीजिए क्या है नहीं है। नवगछिया अनुमंडल के गोपालपुर इस्माइलपुर बिंद टोली बांध स्थित स्पर संख्या 6 गंगा तट पर जहानवी गंगा तट हरित अर्पण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में शिव शक्ति योग पीठ के पीठाधीश्वर स्वामी आगमानंद जी महाराज और केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया। वहीं केंद्रीय मंत्री ने वृक्षारोपण के बाद कहा कि वृक्ष हमारे जीवन का रक्षक है और इनसे हम सबों को प्राण वायु मिलती है, इसलिए वृक्ष को लगाने के साथ इसकी देखभाल एवं बचाना भी आवश्यक है। वहीं इसके बाद सैदपुर दुर्गा मंदिर में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहां प्रमान स्वामी आत्मानंद जी महाराज ने प्रकृति से जुड़े हर तरह की बातों को रखा और वृक्ष, नदियां, पर्वत और मिट्टी को प्रकृति का प्रमुख अंग बताया। स्वामी आत्मानंद जी महाराज ने कहा कि सृष्टि करने से पहले भगवान ने धरती पर मनुष्य के लिए इन तमाम प्रकृति प्रदत्त चीजों की व्यवस्था की, जिससे मनुष्य के जीवन की रक्षा हो सके। लेकिन अज्ञानतावश कुछ मनुष्य प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, जिसका प्रकृति और हमारे जीवन पर बहुत ही बुरा असर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि प्रकृति से हो रही छेड़छाड़ और लापरवाही से वातावरण बहुत गर्म होता जा रहा है, जबकि कोरोना वायरस महामारी भी प्रकृति की छेड़छाड़ का संकेत हो सकती है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस बीमारी में ऑक्सीजन की कमी हुई थी और वृक्ष ऑक्सीजन का सबसे बड़ा स्रोत है, जबकि धर्म भी प्रकृति की रक्षा की सीख देती है। वहीं कार्यक्रम में भाजपा नेता अजय शाश्वत ने कहा कि गोपालपुर प्रखंड की धरती धन्य है और यहाँ के आदर्श ग्राम धररा में बेटियों के जन्म पर वृक्ष लगाने की परंपरा भी अनूठी है, जो दुनिया को पर्यावरण संरक्षण की सीख दे रही है। मौके पर कार्यक्रम संयोजक आलोक कुमार पाठक समेत काफी संख्या में ग्रामीण और भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। और अंत में चलते चलते फिर से एक नजर आज की हेडलाइंस पर।
जहांगीरपुर वैसी में भीषण कटाव जारी, नदी में समाया मकान, पीड़ितों ने जिला प्रशासन से लगाई मदद की गुहार। कहलगांव में बाइक सवार ने खोया संतुलन, हादसे में गई युवक की जान, घर में मचा कोहरा। सुरक्षित बचपन, सुनहरा भविष्य पर सेमिनार का हुआ आयोजन, वक्ताओं ने कहा देश में 2 में से 1 बच्चा है यौन शोषण का शिकार। और भागलपुर में बनेगा +2 अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय, खानकापीर दमड़िया ने दिया 8 बीघा जमीन। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।